इस कहानी की शुरुआत में हम फैंटेसी राज्य के एक किंग को देखते हैं, जो अपने आने वाले बर्थडे को लेकर काफी एक्साइटेड था। और बर्थडे के दिन राजा का सेफ उन्हें बहुत सारी डिशेस दिखाता है और स्वीट्स में रंग बिरंगे बिस्किट्स को दिखाता है। जैसे ही राजा उन बिस्किट्स को टेस्ट करने जाता है, वो बिस्किट सिर्फ ट्रे में से निकलकर टेबल्स पर घूमने लगती हैं और वो जिस भी डिश से टकराती हैं उनमें जान आ जाती है। और उन्हीं में से एक बिस्किट अंत में जाकर नूडल्स में गिर जाती है और वो नूडल्स एक मम्मी में बदल जाती है। वो मम्मी नूडल राजा को अपने साथ बांध कर हवा में उड़ाकर महल से बाहर लेकर चला जाता है। जब सैनिक ये सारी चीजें देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को जाकर सारी बात बताते हैं कि राजा को मेडिकल नूडल्स ने किडनैप कर लिया है। ये बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर गार्ड से कहता है कि ये बात किसी को बाहर पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे राज्य में अशांति फैल सकती है। इस पर गार्ड प्राइम मिनिस्टर से पूछता है, लेकिन राजा को कौन बचाएगा? तो मिनिस्टर कहते हैं, इस मिशन को खास CMCA यानी कि सीक्रेट मैजिक कंट्रोल एजेंसी पूरी करेगी। SMCA एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि सभी मैजिक करने वालों पर कड़ी नजर रखती है, ताकि मैजिशियन कोई इलीगल काम न कर सके। उन्हीं में से एक एजेंट एक मैजिशियन को एक्सपोज करती है कि कैसे वो काफी सारी क्रिएचर्स को बंदी बनाकर रख रहा था। पिंजरे से आजाद होने के बाद वो सभी ग्रेटल एजेंट को बहुत सारी उपहार देते हैं। और इधर प्राइम मिनिस्टर SMCA के हेड से कहता है कि राज्य में एक खबर फैलने से पहले ही हमें राजा को ढूंढना होगा, क्योंकि 3 दिन बाद राजा का बर्थडे है और यदि राजा उससे पहले नहीं मिले तो पूरे राज्य में कोहराम मच जाएगा। वो मिनिस्टर हेड को एक एडवाइस देता है कि क्यों ना हम किसी परफेक्ट की मदद लें। ये बात सुनकर सभी लोग जो खड़े थे वो मास्टर हंसल का नाम लेते हैं, क्योंकि हंसल ने एक बार दिन की रोशनी में स्टैचू चुरा लिया था। पहले तो हेड मना करती है, लेकिन उसके कहने पर बार बार आखिरकार हेड मान जाती है और वो हंसल को पकड़ने के लिए ग्रेटल को भेजती है। ये देखकर मिनिस्टर काफी हैरान होता है, क्योंकि ग्रेटल हंसल की बहन थी। इस पर हेड उसे बताती है कि ग्रेटल SMCA की एक ऐसी एजेंट है जो कि अपने काम के बीच कभी फैमिली को नहीं लाती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उस हंसल को, जो कि लोगों को बेवकूफ बनाकर काफी सारा धन कमा लेता है। ये सब करने के बावजूद भी हंसल दिल का काफी साफ इंसान था, क्योंकि शो के बाद एक लेडी अपनी बहन को लेकर हंसल के पास आई थी और वो उसके सरवाइव के लिए मदद मांगती है, तो हंसल उसे बहुत सारा धन उसकी मदद में दे देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ हंसल की बहन ग्रेटल आती है, जो उसे वहाँ से ले जाने के लिए आई थी। लेकिन हंसल अपनी बहन ग्रेटल से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह उसकी बहन उसे पकड़कर SMCA के हेडक्वार्टर लेकर आती है, जहाँ पर वहाँ की हेड हंसल को राजा के बारे में सब कुछ बताती है और एक टीम बनाकर राजा को वापस लाने के बारे में कहती है। लेकिन ये बात ग्रेटल और हंसल दोनों को पसंद नहीं आती, क्योंकि ग्रेटल को लगता था कि हंसल किसी भी काम का नहीं है। इस पर हेड एक ऑफर देती है कि अगर तुम दोनों कुछ ही दिनों के अंदर राजा को ले आए तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और साथ ही मैजिशियन हंसल को मैजिशियन का लाइसेंस भी मिल जाएगा और ग्रेटल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड। ये ऑफर उन दोनों की लाइफ का सबसे बड़ा गोल था, इसीलिए वो दोनों ना चाहते हुए भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ग्रेटल हंसल को मिशन के लिए काफी सारे गैजेट दिखाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। और उन्हीं में से एक एजेंट इस मिशन में काम आने वाले बहुत सारे सामान को देती है। उनमें से एक चश्मा था जो कि आसानी से मैजिक को देख सकता था और एक मैजिक बॉल थी जो कि आसानी से दीवार में छेद कर सकती थी। साथ ही एक ऐसा सायरन भी देती है जो कि आसपास होने वाले मैजिक की वजह से ग्रीन से रेड हो जाता था। उसके बाद वो ग्रेटल को एक लिस्ट देती है जहाँ से खाने का सामान आया था राजा के लिए। ये देखकर हंसल को शक होता है कि ये जरूर किसी लोकल पेस्ट्री वाले का काम होगा, इसीलिए वो ग्रेटल के साथ उस शॉप पर जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद हम एक ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं जिसका नाम था एल्वीरा, और वो एक वेनिला पोर्शन बना रही थी और उसमें वो एक अजीब सा कीड़ा भी मिलाती है। एल्वीरा के सर्वेंट्स वहाँ के बिस्किट्स और पेस्ट्रीज थे जो उस लेडी को सामान सर्व कर रहे थे। फिर वो नूडल उस राजा को वहाँ लेकर आते हैं। राजा जैसे ही उस लेडी को देखते हैं वो जान जाते हैं, क्योंकि वो उनकी सेफ एल्वीरा थी और राजा ने इस लेडी को खाने में ब्लैक मैजिक मिलाने की वजह से राज्य से निकाल दिया था और इसी बात का वो राजा से बदला ले रही थी। राजा उसको बहुत सारे पैसों का ऑफर देता है, लेकिन एल्वीरा अपना मैजिक सीरम पिलाकर उसे अपने कब्जे में करना चाहती थी, ताकि वो राजा के साथ उसके राज्य पर भी राज कर सके। इसके बाद ग्रेटर और हंसल एक पेस्ट्री शॉप पर पहुंचते हैं, जहां पर वो सर्वेंट्स के रूप में कुछ कपकेक्स को देखते हैं। तभी ग्रेटल को वहां पर एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हंसल को अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन इधर हंसल कपकेक्स के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग चिल्लाने लगते हैं और उन लोगों की चिल्लाने की वजह से वहां एक डॉग आ जाता है जो कि हंसल का पीछा करने लगता है।
भागते हुए वो लोग उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर ग्रेटल होती है। हंसल उस डॉगी से बचने के लिए ग्रेटल की सीढ़ी पर चला जाता है तो वो डॉगी उस सीढ़ी को घुमाने लगता है, जिससे हंसल और ग्रेटल दोनों ही उस सीढ़ी के साथ घूमने लगते हैं। इससे वहाँ रखी सभी जादुई सीरम उनके ऊपर गिरने लगती है और अंत में उन दोनों के ऊपर एक ऐसा सीरम गिरता है जिसकी वजह से वो दोनों काफी छोटे हो जाते हैं। ये सब देखकर हंसल काफी परेशान था। इस पर हंसल से ग्रेटल कहती है कि ये उस सीरम का कमान है जिसे बनाया था बेबी यागा ने। इन मुसीबत का हल ढूंढने के लिए वो लोग वापस से सीक्रेट हेडक्वार्टर आते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग उसे एजेंसी से बाहर निकाल देते हैं। वो लोग बार बार एजेंसी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वो लोग फेल हो जाते हैं और वहाँ का गार्ड उन्हें बाहर फेंक देता है। तभी ग्रेटल को आइडिया आता है, वो और हंसल से कहती है कि क्यों ना हम बेबी यागा को ढूंढे। इस पर वो ग्रेटल से कहता है कि मैंने सुना है कि बेबी यागा बच्चों को खा जाती है, लेकिन ग्रेटल के कहने पर वो दोनों एक साइकिल से बाबा यागा को ढूंढने निकल जाते हैं। हंसल रास्ते में जाते हुए कुछ मैजिकल स्टोन्स गिराते हुए जाता है ताकि आते समय उन्हें आसानी हो। जब वो लोग बाबा यागा के घर पहुंचते हैं तो वो बिना कुछ किए ही उन दोनों को अपने घर में बुला लेती है और खाने के लिए उन्हें बिस्किट देती है। हंसल ये सब देख के बिस्किट नहीं खाता क्योंकि उसमें उसे कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वही ग्रेटल उस पर विश्वास कर वो बिस्किट खाने लगती है। लेकिन उस चश्मे की मदद से उस बिस्किट में उसे मैजिक दिख जाती है, जिसकी वजह से वो समझ जाती है कि बाबा यागा इन बिस्किट की मदद से उन्हें बेहोश कर मारना चाहती है। इसीलिए वो पप्पी और हंसल को लेकर एक कमरे में सोने के बहाने आ जाती है। ये सुनकर हंसल अपनी फेक जादुई ट्रिक से बाबा यागा को डरा देता है और उससे वो मून जम ले लेता है, जिसकी मदद से वो बाबा यागा के जादू से ग्रेटल को जगा देता है। लेकिन तभी बाबा को हंसल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके रूम में जाती है, लेकिन वो लोग किसी तरह वहाँ से बचकर भाग निकलते हैं। रास्ते में जाते हुए उनका जो शिप था वो एक प्लांट से टकराता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी वो दोनों सरताती भाई बहन आपस में लड़ने लगते हैं। इसी बीच हंसल ग्रेटल की डायरी लेकर उसे पढ़ने लगता है, जिसमें वो पढ़ता है कि ग्रेटल द बेस्ट एजेंट का अवार्ड लेना चाहती है। और दूसरी तरफ हम अलवीरा को देखते हैं जो कि अपने जादू बिस्किट को राजा को खिलाना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ उसके सर्वेंट्स आते हैं और बताते हैं कि पेस्ट्री फैक्ट्री पर हमला हुआ है। वहीं वो कपकेक्स अलवीरा को एजेंसी के बैच की दिखाते हैं, जिससे वो काफी गुस्सा होती है और उन्हें मारने के लिए एक मॉन्स्टर भेजती है। वहीं एक ऑक्टोपस दोनों को पकड़कर अलवीरा का एजेंट समझते हुए एक बैच के पास लेकर जाता है और उसे वो वहाँ की रानी मरमिट के पास पेश करता है। वो रानी उन दोनों को जासूस समझकर मछली में बदलने वाली थी, लेकिन तभी रानी की बेटी अपने नेकलेस को ग्रेटल के गले में देख लेती है और रानी को वो सारी बातें बताती है कि कैसे एक बार ग्रेटल ने ही उसे बचाया था। तो ये बात सुनकर रानी उन दोनों से माफी मांगती है और उन्हें वो बताती है कि वेनिला एक्सट्रेट मरमिट बताती है जिन्हें अलवीरा की कपकेक्स ने चुरा लिया, और अलवीरा राजा को वश में कर वहाँ के पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहती है। वहीं मरमेड ने बहुत सारे कपकेक्स को बंदी बनाया हुआ था जो सीरम चुराते हुए पकड़े गए थे। तो ग्रेटल और हंसल दिमाग लगाते हैं और उन कपकेक्स को छोड़ देते हैं और वो लोग उनका पीछा करते हुए एक वीरान सी जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ पर वो मॉन्स्टर बॉल भी होता है जिसे अलवीरा ने मारने के लिए भेजा था। वो दोनों किसी तरह मिलकर उस बॉल को हरा देते हैं, लेकिन उसी बीच हंसल चोटी से नीचे गिरने वाला था, लेकिन ग्रेटल उसे किसी तरह बचा लेती है और वो लोग एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए जिंजर ब्रेड के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ उनका छोटा पप्पी उन कपकेक्स को उलझाए रखता है, जिसका फायदा उठाकर वो दोनों रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं जो सामने वाली बिल्डिंग में जा रही थी, और वहीं पर वो किंग किडनैप था। रास्ते में उन्हें रियलाइज होता है कि वो दोनों एक अच्छी टीम है। दोनों एक दूसरे से अपनी दिल की बात करते हुए इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कपकेक्स की तरह कपड़े पहनकर महल के अंदर चले आते हैं और वो बहुत जल्द ही राजा को ढूंढ भी लेते हैं। वहीं अलवीरा अपने कुकीज को राजा को खिला रही थी ताकि राजा उससे प्यार करने लग जाए, और होता भी ऐसा ही है क्योंकि ग्रेटल जब राजा को वापस चलने को कहती है तो वो मना कर देता है। इस पर ग्रेटल समझ जाती है कि अलवीरा रोगों के राज्य पर भी ऐसा ही करना चाहती है ताकि वो उनका इस्तेमाल कर अपना सर्वेंट बना ले और उनकी मदद से एक पेस्ट्री बनाए जिसको खिलाकर वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना ले। ग्रेटल राजा को और भी कुकीज देने का लालच देकर वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन तभी राजा हंसल को पहचान जाता है और कहता है ये तो वही है जिसने मेरी स्टैचू को चुराया था, और वो तुरंत ही वहाँ के गार्ड्स को बुला लेता है और वहीं पर वो भी आ जाती है जो कि अपने गार्ड्स से कहकर उन्हें कुकीज चैम्बर में डाल देती है, और फिर वो अपने राजा को लेकर उसी राज्य की तरफ निकल पड़ती है। वहीं ग्रेटल हंसल पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसे लगता है कि ग्रेटल हंसल की वजह से ये सब हुआ है।
फिर वो बताता है कि बचपन में जब मेरे मामा और डैड की मृत्यु हो गई तब मैंने चोरी करना शुरू कर दिया क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हो चुके थे, ताकि मैं अपनी बहन यानी तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। ये बात सुनकर ग्रेटल उससे माफी मांगकर उसके गले लग जाती है। इसके बाद वो लोग एक बलून से जंप कर बाहर निकल आते हैं। ग्रेटल वहाँ की लव कुकीज को देख कर उनका एंटीडोट बताने की कोशिश करती है और वो दोनों मिलकर उसका एंटीडोट बना भी लेते हैं और उसे बनाकर और अपनी एक सीसी में भरकर वो लोग एक ड्रैगन की मदद से राजा की ओर चल पड़ते हैं। वहीं एल्वीरा इधर वो जादुई कुकीज खिलाकर सबको अपने वश में कर चुकी थी। ये देखकर हंसल अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, तो वो अपने जादुई ट्रिक की मदद से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और ग्रेटल राजा को उस एंटीडोट को लगा देती है जिसकी वजह से राजा होश में आ जाता है। लेकिन फिर भी एल्वीरा राजा का क्राउन पहनकर सबको अपने कंट्रोल में कर लेती है। इधर जब कुकीज में वो एंटीडोट डालने की कोशिश करती है तभी हंसल को एल्वीरा पकड़ लेती है और वो ग्रेटल से वो एंटीडोट देने को कहती है और वो ग्रेटल से कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हंसल को इस बड़े से टब में जहाँ पर कुकीज बनती वहाँ उसमें फेंक दूंगी। ग्रेटल पहली बार अपनी लाइफ में अपनी जॉब के बीच में अपनी फैमिली को देखती है और साथ ही साथ उस सीरम को ग्रेटल एल्वीरा को दे देती है। लेकिन एंटीडोट मिलने के बाद भी एल्वीरा ग्रेटल को उस बड़े से टब में फेंक देती है और उसे बचाने के चक्कर में ग्रेटल भी नीचे गिर जाती है। अब हंसल के पास एक मैजिक बॉल था जिसे दबाने पर वो बलून में बदल जाता था, जिसकी मदद से वो लोग बाहर आ जाते हैं और लड़ते हुए वो लोग एल्वीरा को भी उसी मैजिकल टब में डाल देते हैं और साथ ही साथ उसमें वो एंटीडोट भी डाल देते हैं जिसे खाने के बाद सब लोग अपने होश में आ जाते हैं। वो राजा ग्रेटल और हंसल को अपने गले से लगा लेता है क्योंकि उसने सिर्फ राजा को ही नहीं बल्कि उनके पूरे राज्य को बचाया था। इसके बाद हम मूवी के अंत में ग्रेटल और हंसल को देखते हैं जिन्हें दोबारा से SMCA की एजेंट उन्हें उनके रूप में ले आती है। इसके बाद वहाँ का राजा ग्रेटल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड देता है और SMCA की एजेंट हंसल को मैजिशियन का सर्टिफिकेट देती है लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे तो मैजिक आता ही नहीं था। इधर ग्रेटल अपने बेस्ट एजेंट के अवार्ड को सेलिब्रेट कर रही थी कि तभी वहाँ की हेड उसे एक और मिशन के बारे में बताती है और हंसल वहाँ से दुखी होकर जाने लगता है। लेकिन ग्रेटल कहती है कि मैं अपने पार्टनर के बिना कोई भी काम नहीं करूंगी। ये सब सुनकर सभी लोग बहुत हैरान थे क्योंकि ग्रेटल अपना काम खुद अकेले करना चाहती थी लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी, वो अपने भाई के साथ काम करना चाहती थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती